हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लेनोवो का ऑल इन वन मशीन आया हुआ है। ये आइडिया सेंटर है, 21 इंच का ऑल इन वन मशीन है ये। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये वन टाइम में ऑन नहीं होती है, फिर दोबारा चार्जर हटा के लगाते हैं, फिर दोबारा दो तीन चार बार ऐसा करने के बाद ये मशीन में डिस्प्ले आता है। ऑन तो हो जाती है पर डिस्प्ले नहीं बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये चार्जर इसमें लगा रहा हूँ और ये मशीन को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी मशीन ऑन हो गई है, आप देखोगे लाइट जल गई है। इसमें मशीन ऑन हो जाती है पर इसमें डिस्प्ले नहीं बन पाता है। अभी डिस्प्ले नहीं आया इसमें, मैं फिर चार्जर निकाल के लगाऊंगा, फिर हटाऊंगा, फिर लगाऊंगा, फिर हटाऊंगा, ऐसा चार पांच करने के बाद इसमें डिस्प्ले आता है। फिर मैंने ये चार्जर हटाया है और चार्जर फिर लगा दिया है। लगाने के बाद मैं इसको फिर ऑन कर रहा हूँ, फिर ऑन करने के बाद आप देखोगे ये लाइट जल गई है, हमारा डिस्प्ले फिर नहीं बना है। तो ऐसा करने पर, तीन चार बार करने पर ये तब डिस्प्ले बनता है। मैं फिर चार्जर हटा दे रहा हूँ इसमें से। और हम क्या करते हैं, जब हम इसको डायरेक्ट भी बंद करते हैं स्विच से, तो हमारी मशीन तभी भी बंद नहीं होती है। अब ये मैं देखो फिर बंद हो गई है मशीन। अब मैं इसको फिर ऑन कर रहा हूँ दोबारा, तो ये ऑन किया है मैंने इसको। ऑन करने के बाद फिर इसमें आप देखोगे डिस्प्ले नहीं बन रहा है, डिस्प्ले एज इट इज है ब्लैंक। और मैं इसको जब स्विच से फोर्सफुल्ली बंद करता हूं तो ये हमारी मशीन फिर भी बंद नहीं होती है, ऐसा इसमें प्रॉब्लम। अब हम इस ऑल इन वन पीसी को खोलेंगे और चेक करेंगे कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इस प्रॉब्लम के आने के क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वैसे यह प्रॉब्लम रैम की वजह से या मदरबोर्ड की वजह से हो सकती है। तो इस ऑल इन वन पीसी को खोलकर हम इसको चेक करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस ऑल इन वन पीसी में यह समस्या क्यों आती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं।